जय माता दी गाइस, सलाम नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल। आप लोग सब कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग। ये लुक सिर्फ 5 मिनट में रेडी किया है मैंने, और जल्दी से मैंने सूट लवी ने प्रेस किए थे, कल रात को ही प्रेस कर लिया था। लवी ने अभी चाय बनाया था तो हम लोगों ने सबने चाय पिया। अभी वो किचन में है, बस आता ही होगा। मुझे ये था कि मैं ज़्यादा ही, मेरा बैंगलों की आवाज़ें आ रही हैं, छन 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 छन, सो वो ज़्यादा ही ओवर हो रहा था। और जैसे कि अभी भी ज़्यादा ही आ रही आवाज़ें, क्योंकि दुपट्टा उड़ रहा है और मैं थोड़ा साइड पे कर रही हूँ, तो जब लड़कियाँ नेल्स करती हैं तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो जब बैंगल्स पहनते तो हम लोग ऐसे 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 करने लग जाते हैं, तो वो नेचुरल होता है। आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा सुस्त भरा माहौल था, और सुस्ती से चालू हुआ था, सुस्ती से ना ख़त्म हो, शायद जोश में ख़त्म हो ये दिन आज का। और आप ये ज़रूर बताइए कि आपका दिन कैसा गया। यस, क्या ही बात है, क्या ही बात है। ओए होए, ओए होए, आगे पीछे जाइए, मॉडलिंग कीजिए, जाइए जाइए, क्या ही बात है, प्यारी लग रही है यार। तो गाइस, जोक्स अपार्ट, ये कितने का सूट था? ये तुम्हारा, ये भी गेस करने दे इनको, गेस करने। आप लोग ये सूट का गेस कर लेना, हाँ, कमेंट सेक्शन में। तो गाइस, ये भी इसने उस दिन सूट लिया था उसी मार्केट से जहाँ से ग्रे लिया, लेकिन उसके आसपास भी था दुकान था। हाँ, तो आप देख लीजिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी जेनी। दुपट्टा थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, पता नहीं। नहीं, अच्छा लग रहा है, सिंपल है। और सलमा है पीछे। हाँ, आजा सलमा। तो गाइस, सलमा बड़ी बड़े दिन बाद आई है व्लॉग में। हाँ। मुझे सलमा के बारे में बात बताना था। वो तेरी बेटी क्या करती है? पूरा दिन इस पे अपनी बेटी के बारे में बताया, इतना फनी है गाइस, इतना फनी है। क्या करती है वो? हेलो गाइस, रोटी खाते हुए भी हेलो गाइस, और खेलते हुए भी हेलो गाइस। वो हर जगह इतनी हंसी, इतनी हंसी, इतनी हंसी कहती है, जब भी दोस्तों के साथ भी कह लेगी कम ऑन गाइस। और हमारा व्लॉग देखती है ना, तो वो यही कहो, कैमरा भी ऑन करती है, व्लॉग बनाती है, लेकिन वो डालती नहीं, वो व्लॉग ही बनाती रहती पूरा टाइम। तो गाइस, मैं आप लोगों को लवी का लुक दिखा देती हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को लवी का लुक दिखाई देती हूँ। ये रहा लवी, ये देखिए गाइस। जय माता दी गाइस, थोड़ा लाउडली लाउडली जोश में थोड़ा सा बता देना मैं कैसा लग रहा हूँ गाइस। तो आज माता जी का रेड कलर आया था, तो मैंने रेड पहना और गेहूं ने भी रेड पहना, तो देख लीजिए कैसा लग रहा हूँ मैं। गाइस, सलाम नमस्ते प्यार भरी सत श्री अकाल, और आप लोग सब कैसे हो? हम दोनों मस्त हैं, अच्छे हैं। जिन्हों बोली क्या ठंडा दिन गया, मैं ठंडे को मस्त बना लेंगी, कोई बात नहीं। काम के बाद थोड़ी थकावट हो जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एनर्जी आती रहेगी, ठीक है। और आप लोग सब कैसे, मस्त इंजॉय कर रहे हो फुल? इधर हम अपनी मम्मा वो आराम कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बोल बोल। तो टचवुड मम्मा की रिपोर्ट आई है, टचवुड गाइस, मम्मा की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। गाइस, जैसे आप लोग देख रहे हो, ये बर्तनों का सजावट, ये सलमा भी साफ करके गई है सारे बर्तन। ये देखिए, अंधेरा छा चुका है, वो भी अभी भी दिन खड़ा हुआ है। तो ये क्या चीज़ है डिब्बे में? अच्छा, मैंने लवी के लिए ना अभी वो टाइट नहीं कर रहा, तो मैंने आज उसको बहुत झाड़ा, पता है क्यों? क्योंकि वो खाने लग गया मीठा, और उसके पेट में अब बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है। मैंने तो उसके लिए ये बनाया है। आई थिंक सो 2 दिन से कंप्लेन कर रहा है कि मेरे ना पेट में दर्द हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा। आप लोग तो यही सोचोगे कि हम लोग आप लोगों से शिकायत ही करने में ज़्यादा, फैमिली को तो शिकायत कर सकते हैं ना। अब अगर मम्मी से मैं शिकायत करूँगी तो मम्मी का ये है ना कि मम्मी तो डांट ही देती है लवी को, पर वो फिर मेरे से भी देखा भी नहीं जाएगा, तो इस वजह से। बाकी लेकिन लवी को कुछ नहीं कहती, डांटती नहीं है लवी को। मैं तो वैसी, मेरे को दिखाने के लिए, मेरा दिल खुश करने के लिए वैसी डांट देती है, तो बस और तो कुछ नहीं। हमने सोचा था कि आज हम सब तीनों बाहर जाएंगे, पर आज फिर मम्मी मना कर रही है, तो चलो वैसे लवी मना रहा है उसको, अगर उसका मन हुआ तो हम ले, क्योंकि हम फोर्स नहीं करते यार। फोर्स ना मुझे भी पसंद है। मैंने लवी को हमेशा बोला कि कभी अगर किसी ने मना कर दिया ना कि नहीं तो नहीं, तो नहीं होता यार,
क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भी बड़ा बुरा लगता है कोई मुझे फोर्स करे, खासकर लगे कभी बार ना जो मुझे नहीं खाना होता तो कहते खा ले, एक तो टेस्ट कर ले, एक बार तो ले ले, फिर वो थोड़ा सा हो जाता। बाकी देखते हैं अभी मम्मी क्या बोलती है, अगर बाहर चलना है तो चलते हैं। बाकी चलिए फिर गाइस मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ इवनिंग स्नैक्स। आज ना मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे ब्रेड पकौड़ा, मेरा हीरो आ गया। मम्मी क्या कह रही है? अरे उसको नहीं है, वो कह रही है आज नहीं, कहने वो उसको ये है कि नवरात्रों में तुम लोग कहाँ नेल्स वगैरह भी नहीं काटता ना ये, ना हेयर मेरे खुद के बजे जा रहे हैं मेरे नेल्स, हाँ नेल्स बड़े हो गए इसके, ना ये नवरात्रों में का। मैं पहली बार मैंने लवी से सुना, मुझे ये सब पता भी नहीं था। ऑब्वियसली जब मैं क्रिश्चियन हूँ तो समझ, बाल भी नहीं कटाने, वो तो चल कटाने ही नहीं है, वो तो देखूंगा कब कटाएंगे, कटाने को मिलेंगे, लेकिन नेल्स भी नहीं काटे, वो मेरे को बहुत इरिटेशन होती है उनसे, उसके कपड़ों में भी फंस रहा है नेल्स, कब कटाएंगे है ना। बस आज कितना, आज कौन सा अंदर पांचवा ना, नहीं सिक्स्थ है आज, सिक्स्थ नहीं रहा था, कुछ भी। अरे हमने कन्याओं के लिए भी कुछ नहीं लिया गाइस, पता क्या आप लोग सजेशंस प्लीज दो गाइस, जैन लवी फैमिली से कन्याओं को क्या देना चाहिए इस साल, तो जो भी आप बोलोगे हम वो ही करेंगे। तो पिछले साल तो वैसे तो कहा जाता है, जो मेरी एक फ्रेंड है जिसका सलोन है उस, वो हर साल अपने सलोन के हिसाब से देती है, क्योंकि उसने बोला कि मेरा काम सलोन का ही है, तो वो अपने सलोन से रिलेटेड देती है सामान। तो अब हम तो जॉब करते हैं, हमारा तो खुद का तो है नहीं, हमारा खुद का यूट्यूब है बस, हमारा खुद का जो ओन अभी ओन यूट्यूब चैनल। तो पर मोबाइल लेके दे दिए ना, इतने छोटे का हाथ नहीं है, अरे वो छोटे छोटे वाले बेबी वाले, एक बजा आ ना बाबी गर्ल दूसरे नंबर पे, जो उनके लिए काम आ सके वो चीज यूज कर लेके आएंगे। जैसे तो क्लोज भी नहीं ले सकते, कपड़े नहीं ले सकते क्योंकि पता नहीं कैसी आएगी, क्लोज मत लिखना गाइस क्योंकि हर किसी की फिटिंग अलग होती है। और मैंने पता क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने पता क्या सोचा कि इस बार ना लड़कियों को लिपस्टिक, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और ये फाउंडेशन, बच्चियाँ हाँ कुछ भी मतलब कुछ भी, हाँ इसको मेकअप के बिना कुछ नहीं सोचता, लड़कियाँ रस्ती नहीं है मेकअप के नाम पे, तुम्हारा कोई घूम फिर के सारा मेकअप ही आ जाता है, घूम फिर के ना इसका मेकअप ही आ जाता है भाई। चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, हद है, कुछ भी सही रख तुम। मैं ये हैरान हूँ, घूम फिर के इसके ना मेकअप पे ही बात आ जाती है, खासकर लड़कियों की भाई, मैं इसके अकेली का नहीं बोलूंगा। तुम ऐसे बोलते नहीं हो या नहीं ऐसे बोलते? नहीं भाई मेरी बात से जो जो सहमत है ना, ऑनलाइन ये ना पहले से यही चढ़ जाता है कि रजती नहीं है सच्ची में, है पेटियां भरी पड़ी है चूड़ियां, वो आज पेट वहां से आया बालियां, एक ही डिजाइन की, एक ही कलर के अलग अलग डिजाइन की बालियां, खुद दिला देता है ये मुझे, तो खुद ही पहनती भी नहीं है, चूड़ियां लगाता है, कोई और मार्केट में जाती जाती फिर कुछ और नजर आ जाता तेरे को, वो भी नहीं पहनती है। ये गोल्डन वाली कितनी सारी ली है लेकिन पहनेगी यही पत्तियां वाली, क्योंकि तेरा फेवरेट है, मेरा इसको अच्छा लगता जब मैं पहनती, झूठा कहेंगे मैं तेरे लिए पहनती हूँ कि तू खुश रहे, मेरे पे बिल फाड़ दे मेरे पे बिल से, अरे भाई ऐसे क्यों बोलता, अरे भाई अरे मेरी बात सुन तुझे मेकअप चाहिए तू ले सकती है, ठीक है? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन, तू मेकअप चाहिए तू ले सकती है, लेकिन बच्चियों के नाम पे बिल मत फाड़ कि उनके लिए फाउंडेशन चाहिए, उनके लिए लिपस्टिक, वो क्या करेंगे इन चीजों का, उनको तो पता भी नहीं है ना यार, ये तो गलत बात है भाई, ये तो गलत बात नहीं है। आप लोग किसके साइड पे हो? सही लोग तो मेरी साइड ही रहेंगे, जो जिनको ऐसी मस्ती करनी है वो भाभी का साथ देंगे, सही एडवाइस दो यार, क्या देना रातों में, हाँ गाइस बच्चियों को, ये बात बिल्कुल सही है, जो जिसका मतलब जो भी अच्छा बताओगे, जिसका हमें अच्छा लगे हाँ भाई ये सही है काम वाली चीज है, हम वो ही दे देंगे, लेकिन बजट के हिसाब से, हाँ प्लीज ऐसा भी ना हो ना, ऐसे तो हम थोड़े अमीर होते तो हम भी सोचते चांदी की पायल सबको लेके देते है ना, हाँ। चांदी की पायल तो मतलब ऐसे कभी आइडिया आ गया क्या, लेकिन कमेंट आप करो, क्या कमेंट करो मतलब मैं सबको बोल रही हूँ, कमेंट करो क्या दे, हाँ मेकअप नहीं बताना बस,
वो किसी काम। पिछली बार भी तूने ना इसने क्लिप क्लिप लिए थे यार, आधी लड़कियां तो टकली आई थी। सलमा की खुद की बेटी के बाल नहीं है, वो क्या करेगी क्लिपों का? ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, कूल डाउन। अच्छा सब बताना ठीक है। अभी तू किचन में आई थी कुछ करने के लिए? कुछ करने, खाने में। गाइस हमने आरती कर ली है बस। मैंने जे को बोल दिया कि तू चेंज कर ले, तो उसके बाद मैंने जो फ्रूट्स वगैरह है मैं वो गाय को देने जा रहा हूँ। अब मैं पहन के जाऊँगा जीन्स, मैंने वाइट और धोती बहुत पहन लिया, अभी मैंने पहन लिया। उसका भी इच्छा बोल रहे थे जीन्स पहनता रहता है, तो मैंने अभी ये पहन लिया। उसके बाद मैं जीन्स पहन के गाय को खाना देने और फ्रूट्स वगैरह दे दें, तो बाकी आपसे मिलता हूँ बाद में ठीक है। तो गाइज हम उसी तबेले में आए हैं, एक साहब वो आ रहा है भैंस पीछे से लवी। अरे मेरे, अरे भैया, अरे भैया मेरा बच्चों, मेरा छोना, मेरा मोना, मेरा तो गाइज ये देखिए, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ। या हमने बहुत सारे कंप्लेंट किए फिर भी कोई नहीं आया गाय को लिए, तो हाय इसने सुसु कर दिया यार, झोले पे यहीं फेंकना पड़ेगा कम यार। कमाल करता तू, बदतमीज कहीं का। तो गाइज जो हम झोला लेके आए थे हमने फेंक दिया यहाँ पे, वहाँ पे फेंक दिया, ये सब जगह सुसु करता है। अभी जो उस गाय के ऊपर दांत नहीं है वो पत्थर से लवी तोड़ता है फ्रूट्स। कल मतलब कल नहीं आए लेकिन परसों आए थे, तो फ्रूट्स तोड़ के दिए थे पत्थर से। ये देखिए गाय अभी खा रही है, ये वही गाय है बेचारी। हमने तो कंप्लेन किया बहुत बार, उसको वीडियो भी भेजा, टैग भी किया है, हम और भी कर लेंगे कोई बात नहीं। गाइस और भी गाय हैं, अभी सबको फ्रूट्स दिए लवी ने। गाइस हम सबको खाना डाल रहे थे ना, वो वाली गाय कोने में थी, हमें दिखाई नहीं दी, तो फिर वो चिल्ला रही थी लवी को, मैं भी हूँ, तभी लवी गया फिर उसको कुछ डालने। पता नहीं कौन क्या जला रहा है, ऐसा तड़का लग रहा है गाइस, यहाँ पे ऐसा तड़का लग रहा है। लाइट आएगी तो वैसे कर रही है। हाँ
गाइस आप लोगों को फूड स्टॉल्स दिखाई दे रहे हैं। मम्मी को चाहिए चिल्ली पनीर ड्राई, एक्चुअली लवी शकीन है, मम्मी फेवरेट है। और जैसे तेरा है वेज नूडल्स, मैं तो मैंने इसको बोल दिया, मैंने कहा चल तू खा ले, बोल रही है कितने वेज नूडल्स खा ले, मैं वेज चाउमिन खा रहा हूँ। मन कर रहा है आप ना चीजें देख के, अभी मैं डाइट कर नहीं रहा ना इसलिए मैंने कहा चल खा ले। एक एक दिन खाने में तो क्या है। मुझे वो मुंबई में जब हम लोग आए थे पहले, मैं कितना वो एक वो नूडल्स नहीं होते थे चिल बर्नड गार्लिक नूडल्स, मैं इतना खाती थी बर्नड गार्लिक वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें तुमने फूड, हाँ जो तुमने मुझे खिलाया है, तेरा तुमने भी तुमने मुझे खिलाया था याद है, मोमोज मोमोज भैया, एंड इवन थुप्पा, मोमोज थुप्पा, और एक तुमने कोल्ड ड्रिंक सब लाया था मुझे, मोजीटो मोजीटो। गर्मी में ऐसी चीजें बहुत टेस्टी लगती है। हाँ ये तो है, ये बात तो सही है, लोग भी तो खाते होंगे यार। गर्मी में ये खासकर, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात एक बात तूने अच्छी बोली कि गर्मी में ये चीजें ज्यादा टेस्टी लगती है, चाउमीन चूमिन डोसा हो गया गर्म, वो भी गर्म गर्म है ना, और कोल्ड ड्रिंक के साथ, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक के साथ। मुझे पता है कितने सारे ऐसे कर रहे होंगे, मुँह में पानी आ रहा होगा बॉस, क्योंकि मेरे को खुद को आ रहा है, लेकिन क्या करें, मेरे में एक्चुअली ना वो बहुत है, क्या कहते हैं उसको, वो सहन शक्ति, तभी तो फिर देख ले, तभी तो तेरे को सह रही हूँ मैं, तभी तो मैं गैंडा हो रहा हूँ। कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। नहीं भाई मेंटेन भी रखता हूँ, बट अभी डाइट नहीं है तो एक दो दिन चलेगा, आज ही खा रहा हूँ ऐसा क्या। उस दिन मैंने बोला, मैंने उस दिन, हाँ आज तूने बोला, लेकिन उस दिन जब हम गए थे, जिस दिन मम्मी को लेके कहाँ गए थे हम, जहाँ पे भी गए थे, हाँ वहाँ पे तुमने बुद्धा के, हाँ। बुद्धा के टेंपल पे, हाँ। तो वहाँ पे मम्मी ने खाया था चिल्ली चीज, हाँ तो मैंने भी तो वहाँ पे खाए थे, हाँ चाउमीन खाए थे, वेज चाउमीन, तो आज खा रहा हूँ बस इतने, ऐसे तो चलता ही है जब डाइट नहीं कर रहा तो। ये क्या है आज, अच्छा मिठाई मिठाई है, ये मिठाई है गाइस, गाइस आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो इतने सारे स्टॉल्स हैं, आहा क्या बात है क्या बात है क्या बात है। आई थिंक सो रेडी हो गया है गाइस, तभी गया है लेने, मैं अपना फेस वॉश ले आई यार, हम लोग ले आए क्या था ये पनीर ड्राई वट एवर, और ये लवी का चाउमीन। अभी हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया और अभी बज रहे हैं 12, तो हम लोग अभी सोने वाले थे और लवी लेट सो रहा है आज, है ना 12 आज तो लेट थे, आप लोग हमारे रिकॉर्ड ही तोड़े जा रहे हो सोने के उठने का, तो फिर भी हम संडे को ही लेट उठते थे, लेकिन सोने का हमारा सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ऐसे मत करो यार है ना, हमें बदलो, तो हमें जल्दी सोने की हैबिट होती थी। तो बस गाइस आज का दिन ऐसे ही गया था, आपने देख ही लिया कैसा था, सुबह का तो आपको पता ही है वो ही शेड्यूल, बाकी शाम का तो आपने देख ही लिया हमने क्या क्या किया, और बाकी कंप्लेंट वो गाय के लिए तो हमने बहुत उसको उनको वीडियोस भी डाले थे और कंप्लेंट भी किया था, और हम दोबारा कर लेंगे, लेकिन पता नहीं मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कभी कभार कि नहीं ये सारे चीज़ ना ये बहुत फेक, ये NGOs हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पेटीएम करो गूगल पे करो, हमें लगता है क्योंकि अगर जेन्युइन होते या तो ना ये ना कुछ सा रिस्पॉन्स आता, पहले तो हमने बहुत बार कंप्लेंट किया तो हमें यू नो उस बात पे रिस्पॉन्स आ जाता है जब भी हमने कंप्लेंट किया, लेकिन ये एक्चुअली तबेले का जो सीन था, हमने एक दो महीने पहले भी कंप्लेंट किया था और फिर कल परसों भी किया, लविक ने जो रिकॉर्ड किया था फिर कल परसों भी किया, लेकिन आई डोंट थिंक सो कोई एक्शन लिया जाएगा इन लोगों पे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे गाइस। तो एनीवेज तो गुड नाइट गाइस, ओके फॉर टेक केयर, लव यू ऑल, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए, बहुत बुरी तरह से नींद आ रही है, थक चुके हैं, नींद के नाम पे ऐसे आ जाते हैं, यौन आ रहे हैं, तो बाकी बस ठीक है, देखो यार बाकी सारी कोशिश जारी है, बाकी रब रखा बिल्कुल, इसका की बिगाड़ सकते हैं ना भी, हले कहते हैं हमने रखी है आपको क्या लेना देना, सो चीजें ये लड़ाई करके भी आया तबेले वालों के साथ, मैं सच बोलूं और... वो पता क्या बोलती है, ये हमारी गाय नहीं है, ये किसी और की गाय है, वो गांव गया हुआ है, हम क्यों इलाज कराए है, कहती अच्छी बली तो है वो, ऐसे बोली मेरे को, तो दांत नहीं है वो, कहती दांत है वो,
बुढ़ी है तो पानी भी नहीं है गायों के पानी पास? का कहती पानी का इनका टाइम होता है। मैं गर्मी का काय का टाइम हाँ। कभी भी प्यास लग सकती है तो कह रही हम पिलाते हैं टाइम पे पिलाते हैं तो टाइम पे पिलाते लेकिन जब भी हम गए कभी पानी था ही धूप में बंदी होती है वो हाँ। तब भी बंदी रहती है क्योंकि वो किसी और की गाय है। मुझे तो उस इंसान पे गुस्सा आ रहा है जो इनके इनके भरोसे छोड़ के गया। झूठ बोल रही है झूठ बोल रही है तो पता ही है क्या कर सकते हैं यार। किसी इतने कंप्लेंट्स करे मुंबई में कितने एनजीओ का हमने फोन किया कोई उठाता ही नहीं फोन ही नहीं उठाता। मैं वही कह रही हूँ फोन ही नहीं उठा एक ही फोन उठाया था जब हमने बोला कि हमें कंप्लेंट करना करे 10 मिनट तक आपसे बैक कॉल करते हैं फिर उसके बाद उन्होंने नंबर पता लग गया वो उठा ही नहीं रहे हमने अलग नंबर से भी करा वो भी नहीं उठा रहे। फेक है ये सब यार ये सब फेक लोग हैं जो सिर्फ गूगल पे और ये सब करवा रहे हैं। बाकी हम कोशिश कर लेंगे दो और जगह कर लेंगे। थोड़ा छोड़ो गाइस हम तो फिर ऐसे ना दिल पे लगा के बैठ जाता हूँ मैं तो सैड हो जाता हूँ फिर इसको भी सैड कर देता हूँ। सच्ची माता रानी उसका तंदुरुस्ती बख्शे मैं यही कहूँगा माता रानी भगवान ही इनको बना ले और भगवान ही इनकी रक्षा करे जो भी उन पर जुर्म करता है उनको उनको खुद ही सजा दे भाई। ना इंसान सुधर सकता आज ना सुधरे कल चलो छोड़ो भगवान जानता। चलो ओके फिर गुड नाइट लव यू ऑल टेक केयर सब्बा खैर बाय गुड नाइट गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शक्कर पारा गाइस बाय बाय।